जो भी बात करती है उस बात से सीधी झलक दिखाई देती है कि वो बीजेपी की तरफ जा रही है, धागे खींच खींच करके उनको नचाता है। वो सिर्फ धागा खींचने वाले कोई और है, कड़ी कठपुतली है, ये डांस कर रहा है। किस लिए घर में बैठी है, क्यों डर रही है वो? अरे हमको इस समाज के आदमी मर थोड़े गए, यहाँ जेल भर देते, लाखों लाखों आदमी पूरे देश में जेल में होते, हम भरते जेल की मायावती को, किस लिए तुम पकड़ रहे हो? लालू एक मर्द आदमी निकला जो कभी झुका नहीं, और उसने जेल भी काट ली चाहे जो कर दिया हो, लेकिन आज भी वो झुका नहीं, चाहे वो मौत के दरवाजे पे खड़ा हो लेकिन वो आदमी झुका नहीं। पूरे देश में घूमना चाहिए और हुंकार भरनी चाहिए, वो शेरनी बताना चाहिए कि मैं शेरनी हूँ। यदि वो गिदड़ी बन जाएगी तो जय भगवान जाटव जैसा आदमी उसको घास भी नहीं डालेगा। लेकिन मेरा ये गुनाह नहीं था, मेरा ये फर्ज था। काशी राम को मैंने कितनी मदद करके, मैंने उसको पाल पोस करके एक तरह का बड़ा किया। मेरा विचार इसमें साफ साफ है कि बहन मायावती को खड़े होना चाहिए। बहन मायावती को बहुजन समाज के साथ जुड़ करके, सबको इकट्ठा करके और एक ताकत पैदा करनी चाहिए। यदि मायावती ये चूक जाएगी 24 के चुनाव से पहले और वो घर से नहीं निकलेगी, और जो अपोजिशन में जो लोग मिल करके सब लोग एक जगह इकट्ठे होने की बात कर रहे हैं, नीतीश जी घूम रहे हैं और भी दूसरे नेता लोगों को दर्द है वे सब घूम रहे हैं, तो मायावती क्यों नहीं निकलती? मायावती के पास नीतीश जी भी नहीं गए और भी कोई नहीं गया, कारण क्या है? कारण यह है कि उसने अपना विश्वास खो दिया। अब समाज में लोग तो जो उनके अपने समाज के आदमी, हम लोग तो उनको मानते हैं, लेकिन उनको उसने खुद तो अपना विश्वास खो दिया। वो जो भी बात करती है उस बात से सीधी झलक दिखाई देती है कि वो बीजेपी की तरफ जा रही है, और बीजेपी को हम 1% भी नहीं चाहते। हमारा दलित समाज चाहे किसी भी जाति का हो, वो कोई भी आदमी ये नहीं चाहता कि बीजेपी आए, क्योंकि बीजेपी ने जो नई शिक्षा नीति बनाई है या जो दूसरे फैसले लिए हैं वे सारे के सारे दलितों के खिलाफ है। जिस तरह की फीस और डिमांड की जा रही है उस तरह हमारे बच्चे थोड़े ही पढ़ पाएंगे, और ये सरकारी स्कूलों में हमारे बच्चे पढ़ते हैं। इनकी 16 राज्यों में इनकी सरकार है। इन्होंने कभी भी अपनी सरकार को ये हिदायत नहीं दी कि भाई पढ़ाई बहुत बढ़िया होनी चाहिए, हर टीचर्स को सख्ती से बोलना चाहिए कि भाई ये यहाँ गरीब के बच्चे पढ़ते हैं उनको भी वही एजुकेशन मिलनी चाहिए जैसी कि प्राइवेट पब्लिक स्कूल में मिलती है। अभी आपको बता दूँ जो एजुकेशन 12वीं तक की एजुकेशन, सीनियर सेकेंडरी तक की एजुकेशन सरकारी मुद्दा है, स्टेट का मुद्दा है, राज्यों का मुद्दा है, वो कैसी एजुकेशन दे? किसी को 1% भी चिंता नहीं इन लोगों की कि ये जो लोग हैं दलित हैं, पिछड़े हैं, अकलियत के लोग हैं, इनके बच्चे अच्छी तरह से पढ़ लिख जाए। यदि इनको चिंता होती तो कभी तो कोई बोले। एक प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री तो कभी कुछ बोलता ही नहीं है। प्रधानमंत्री कहता मैं यूँ, मुझे हमें तो ऐसा लगने लगा है कि ये प्रधानमंत्री नाम का एक कठपुतली खड़ा कर दिया है, काम करने वाले इसके पीछे कोई और है ग्रुप, ये तो सिर्फ इसके मुंह से बुलवाया जाता है, लिख कर के भाषण दे दिया जाता है और ये अपना बोलता है। यदि इसके दर्द होता तो दर्द की आवाज़ छलकती है, सब दिखाई देती। बनावटी भाषण वो देता है, बनावटी भाषण लोगों को पहचान में आ गया कि ये तो बनावटी बात करता है, ये तो काम की तो बात कोई करता ही नहीं, ये तो पढ़ा लिख जो भाषण है लिख के दिया उसको ये बोल देता है। तो उससे क्या होगा? उससे जो दलित और आम लोग है वो तो कुछ नहीं होगा। भाषण देने से वो सड़क पर भी तो दिखाई देना चाहिए, फील्ड में भी तो दिखाई देना चाहिए जो बोल रहा है। तो जो प्रधानमंत्री है हमारा, वो प्रधानमंत्री हमें नहीं लगता कि वो प्रधानमंत्री देश का है। प्रधानमंत्री है, हमने ही चुना है, हमने बनाया, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं देता कि प्रधानमंत्री के कोई गुण उसमें हो। उसके पीछे तो दूसरे लोग तलवारें लेके खड़े हैं और उससे जो चाहते बुलवाते हैं। वो तो एक कठपुतली है, जैसे नचाए का कठपुतली वाला होता है ना, जो धागे खींच खींच करके उनको नचाता है, वो सिर्फ धागा खींचने वाले कोई और हैं,
ये कठपुतली है, ये डांस कर रहा है, ये हमने नोट कर लिया। इस प्रधानमंत्री की बातों में आने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि इसने कभी भी आज तक न्याय की बात की नहीं। दलितों को न्याय मिले कभी इसने बोला? दलितों को न्याय मिले? अब हमारे यहाँ एक शब्द किसी ने बोला मनीषा के लिए, सारे वो चार आदमी पकड़े, तीन छूट गए, एक आदमी को क्या सजा देंगे? इतना बुरा हुआ, कितना घिनौना अत्याचार था, उसके ऊपर किसको कोई सजा नहीं। ऐसे कितने जो जहाँ भी बाथम केस हुआ, क्यों नहीं इन्होंने अपील दायर की? बाथम में सारे 54 आदमी मरे थे, 58 आदमी गिरफ्तार थे लगभग, तो वे सारे के सारे छोड़ दिए कोर्ट ने। कैसे छोड़ दिए भाई? अरे दोबारा इंक्वायरी के लिए भेजते, CBI को केस दे देते, पुलिस को पकड़वाते, पुलिस को कहते भाई इनके खिलाफ केस दर्ज करो, ये केस क्यों नहीं बढ़ा गया लाए? ये क्या मतलब हुआ कि आदमी मरे ही नहीं? अब आदमी ये कोर्ट ये कह दे कि कोई प्रमाण नहीं मिले, और प्रमाण नहीं मिले तो कोर्ट की ड्यूटी है कि वो दोबारा इंक्वायरी के लिए भेजे, CBI को केस दे, किसी और अथॉरिटी को केस दे, अपनी देखरेख में जांच करवाए। ये क्या बदतमीजी होती है कोर्टों की? भाई जो चाहे सो अपना नहीं, कोई प्रमाण मिला छोड़ दो, सबको छोड़ गए तो कोई तो आदमी होगा मारने वाले, जो आदमी मरे हैं किसी ने तो मारे होंगे। तो ये जो बदतमीजी चल रही है इस देश में, हर लेवल पर हो रहा है, ये बिल्कुल गलत है। जहाँ केस पूरा फैसला आया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का पहले भी फैसला आया हुआ है कि मामला स्टेट गवर्नमेंट को भेजा जाएगा और वो जिम्मेवारी फिक्स करेगी किसने आदमी मारा, जैसे कोई छोड़ा नहीं जा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट का मेरे पास उसका सारा डिसीजन पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि यदि केस प्रूव नहीं हो रहा है और आदमी कल्प्रिट का वो नहीं मिल रहे हैं, प्रमाण नहीं मिल रहे हैं या उसे साक्ष्य नहीं जुटाए जा रहे हैं, तो दोबारा स्टेट को कहा जाए कि दोबारा इंक्वायरी कंडक्ट करे, स्पेशल कंडक्ट करके, और उसको मुलजिम को ढूंढे, तय करे किस मुलजिम ने किसने मारा। तो क्या मायावती जी के प्रधानमंत्री बनने से ये सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी? बिल्कुल किसी हद तक सॉल्व हो जाएंगी। वो एडमिनिस्ट्रेटर रही है, उसने बताया कि क्या होती है मुख्यमंत्री की ताकत, मुख्यमंत्री की ताकत को उसने बताया, काम भी किया और पुलिस पर प्रशासन पर डंडा भी चलाया, ये सब के सामने है, ये किसी छुपा नहीं है। और कितने यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेज सब कुछ बनाए, रोडे काम, इतना काम कोई कर कि आज तक किसी भी मुख्यमंत्री ने नहीं किया, काम उसने किया है वो सराहनीय है। लेकिन आज क्या बीमारी हो गई, किस लिए घर में बैठी है, क्यों डर रही है वो? अरे हमको इस समाज के आदमी मर थोड़े गए, यहाँ जेल भर देते, लाखों लाखों आदमी पूरे देश में जेल में होते, हम भरते जेल की मायावती को किस लिए तुम पकड़ रहे हो? मायावती को उनको शांत करके, उनको डरा करके ऐसे बैठा रखा, उन्हें बता रखा लालू जैसा हाल करेंगे। तो यहाँ क्या होता है, लालू एक मर्द आदमी निकला जो कभी झुका नहीं, और उसने जेल भी काट ली चाहे जो कर दिया हो, लेकिन आज भी वो झुका नहीं, चाहे वो मौत के दरवाजे पे खड़ा हो लेकिन वो आदमी झुका नहीं। तो मायावती को भी सोचना चाहिए झुकने की जरूरत क्या है, जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन यदि वो घर से नहीं निकलेगी तो हम लोगों को भारी पड़ेगा, हम लोग बहुत परेशान हैं। मायावती को आकर के अभी जो 8-10 महीने का समय बचा है, पूरे देश में घूमना चाहिए और हुंकार भरनी चाहिए, वो शेरनी बताना चाहिए कि मैं शेरनी हूँ। यदि वो गिदड़ी बन जाएगी तो जय भगवान जाटव जैसा आदमी उसको घास भी नहीं डालेगा। मैं जानता हूँ मैंने कितना खून पसीना मायावती के लिए बहाया है, जो मायावती के सुनने वाले हैं समझने वाले जो इस वीडियो को देखेंगे वो आदमी पूछ ले मायावती से जाके, जय भगवान जाटव का क्या रोल रहा है तुम्हारे साथ, काशीराम जी के साथ फर्स्ट मेंबर हूँ, फर्स्ट मेंबर पार्टी खड़ी करने में पहला आदमी हूँ जो मैंने उसको सारा स्टार्ट करके दिल्ली से उसको किस तरह ताकत दी, किस तरह से लोगों से चंदे इकट्ठे करवाए, किस तरह से मायावती को भी काशीराम से मिलवाया, क्या मेरे यहीं घर पर मेरे सारे मीटिंगें मेरे अपने स्थान पर होती थी। तो ये कोई जो लोग जानते हैं, ज़्यादातर आदमी अब नहीं रहे, बुजुर्ग हो गए चले गए, काशीराम जी खुद चले गए, वो सबको मालूम है। मेरी सिर्फ इतनी गलती जरूर हुई थी, मायावती ने मुझे बुलाया, हर जगह मीटिंगों में भाषण दे के बुलाया कि जय भगवान जाटव यदि हम मेरे साथ आ जाए हम दोनों भाई बहन मिल करके इस देश को कैप्चर कर लेंगे। ये मैं मानता हूँ उसका एहसान मंद, उसने मुझे इतनी इज्जत दी, उसने याद रखा हमारे पुराने दोस्ताने को, प्यार को सारा रखा। लेकिन इसका अब ये मतलब तो नहीं ना
कि मैंने सिर्फ काशीराम के लिए लड़ाई लड़ी थी, मैंने कहा था इनको बत्रा हॉस्पिटल से इलाज करा दो, एम्स में करा लो, जापान में करा दो, कहीं भी करा दो, यही झगड़ा था ना। और नहीं, उनका इलाज हो रहा था, जब मरने की हालत में पहुंचे तो मैंने प्रदर्शन कर दिया बत्रा हॉस्पिटल पे कि काशीराम को रिलीज करो, काशीराम को रिलीज करो। मैं उसको धमका के आ गया था बत्रा वाले को, उसको कहा था कि मैं तेरे इसमें आग लगवा दूंगा कल, ये सारा खाली हो जाना चाहिए। वो रात को मायावती वहाँ से उनको लेकर 2:30 बजे उनको लेकर के आ गई थी। यही मेरा वो था, लेकिन मेरा ये गुनाह नहीं था, मेरा ये फर्ज था। काशीराम को मैंने कितनी मदद करके, मैंने उसको पाल पोस करके एक तरह का बड़ा किया, मैं उसमें मेरा कितना रोल था। तो मेरा पहला हक काशीराम के लिए था, मैं काशीराम को बचाया, काशीराम को बचाने की मेरी दिली इच्छा थी, इसलिए मेरे को वहाँ पर हंगामा करना पड़ा और इसी से मुझे पार्टी से निकाल दिया मायावती ने। तो मुझे कोई ऐतराज नहीं, मुझे क्योंकि ना एमपी बनना है, ना मुझे कोई एमएलए बनना है, ना कोई मिनिस्टर बनना है, ना मेरी कोई चॉइस है। मैं दाल रोटी खाने वाला आदमी हूँ, 10 आदमी इज्जत करते हैं, पूछते हैं, वही मेरे लिए काफ़ी है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए।